आज तो रोटी नहीं लंगनी। मतलब थोड़ा दिल नू बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, पर क्योंकि साढ़े बंदे ने इन्ना काम किया तो ओदी कोई कीमत ना पवे ना, तो फिर दुख होंदा है। इस देश के बीच साढ़े उत्ते एक ग्लास सीलिंग लगी हुई है, उन्हों तोड़ के उपर जाना बड़ा मुश्किल काम है। और ऋषि ने भी बड़ा कोशिश किया कि इन्ना सरमाया भी कोल होने के बावजूद उस चीज़ को नहीं तोड़ सकिया। ये चाहते हैं कि असी इत्थे जिते सही उत्थे ही काम करते रहिए, जिस लैवल ते सानू छड के आए हुआ। इन्ने साल हो गए, 75 साल हो गए साढ़े देश में आज़ाद होए नू, ये हुण तक भी सानू अपने बराबर नहीं समझते। कोई ज़्यादा खुशी नहीं है क्योंकि मैं उम्मीद करी सी ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि जिन्ना उन्होंने काम किया कोविड के दौरान, जिन्ना लोगों को मदद किया इकोनमी नू उत्ते लियाउण लई, जिन्ना उन्होंने हार्डवर्क किया, क्योंकि सानू फर्लो स्कीम दी जो लोग घर बैठ गए सीगे, फिर घर तो बैठ गए पर तुहाडी जिहड़ी इनकम नहीं है, अगर इनकम नहीं खाओगे कितों, उन्होंने फर्लो स्कीम की, फिर उन्होंने मोर्गेज हॉलीडे दी कि तुम घर किश्तां नहीं भरोगे तो कोई गल नहीं, स्टिल घर तुहाडे रहणगे, तुहाडे तो घर नहीं खोएगी बैंक। सो ये सब चीज़ां बहुत जरूरी सी लोगों की जान बचाउण लई। ठीक है, कोविड नाल लोग मरे हैं पर कोई भुख नाल या कोई इस करके नहीं मरिया या सुसाइड की कि मेरे को अज घर की किश्त नहीं दी गई या मेरा घर डूब रहा है या मेरे को तनखा नहीं है, तनखाह घर आ रही थी बेसिक वेजेस। एंड दैन जो लॉकडाउन खुलिया उसके बाद भी एक्सटेंडेड फर्लो स्कीम ऋषि सुनक ने लैके आ दी। सो बहुत दिमाग लगा के ने इकोनमी नू बचाया, लोगों नू बचाया, सब तो जड़ी पहली गल है कि लोगों नू बचाया। सो मैं उम्मीद करी सी ऋषि सुनक बनेंगे, बिकॉज जे तुसी जनता का हित सोचना है ना, जनता का फायदा सोचना, इदा का बंदा सोचे जिहड़ा उन्होंने हित लई काम करे, ना कि बस अपनिया ही मारी जाए। कोई उम्मीद नहीं सानू, बोरिस ने तो अपने रंग दिखाते, उस तो बाद मैनू लगता नहीं, मैनू लगता कि इन्हें भी उही कुछ ही करना है, क्योंकि इन्हें कोई इन्ने मुद्दे है ही नहीं, एक दो मुद्दों नू लैके अपनी कैंपेन लड़ रही है, जबकि ऋषि सुनक ने काम किया, उन्हें दिखाया, उन्हें प्रूफ किया कि ये लोगों नू बचा सकता है। मैं ना तो खुश हैं तो ना ही ज़्यादा निराश है तो ना ही ज़्यादा अपसैट है, क्योंकि ये जदों तो कैंपेन शुरू ही हुई है उदों ही लगन लग पिया सी कि ऋषि सुनक नू इत्थे दी एस्टैबलिशमेंट जो है तो ये जो जिन्हों लोगों ने बिच वोट पानी सी कंजरवेटिव पार्टी के मैंबर ने वो उस इन्ने खुश ने, पहले दिन तो ही उन्होंने कहन लग पाए कि तू बैक स्टैबर है, तू ही छुरी मारी है वो पिट दे, जे तू ना बाहर जाता तो बोरिस ने ही रहना सी। सो पहले दिन तो ही लगता सी कि अगे तो बड़ा पहाड़ खड़ा है जितने वास्ते। गल इन्ने साल इतने रेंदे हुए ये देखते दे कि असी जो बाहर दे आए हुए हैं माइग्रेंट्स हैं, काले रंग दे हैं, चेहरे तो पता लग जाता, सानू यह एक हद तक जान देंगे, वो है किसी का जनरल मैनेजर बन जाओ, कई डायरेक्टर भी बन जाएंगे, जे को चीफ एग्जैक्टिव बनाना वो अमेरिका च हो जाता है, इस देश नहीं हो रहा। इस देश के बीच साढ़े उत्ते एक ग्लास सीलिंग लगी हुई है, उन्हों तोड़ के उपर जाना बड़ा मुश्किल काम है। और ऋषि ने भी बड़ा कोशिश किया कि इन्ना सरमाया भी कोल होने के बावजूद उस चीज़ को नहीं तोड़ सकिया, क्योंकि उल्ट गया कि एक देसी दे कोल, एक बाहर दे वसिंदे दे कोल इन्ना पैसा क्यों है, कि सब तो अमीर कैबिनेट मैंबर वो होवे, सब तो अमीर मैंबर पार्लीमेंट होवे, एक गल इन्ना दे पसंद नहीं। ये चाहते हैं कि असी इत्थे जिते सही उत्थे ही काम करते रहिए, जिस लैवल ते सानू छड के आए हुआ। इन्ने साल हो गए, 75 साल हो गए साढ़े देश में आज़ाद होए नूं, ये हुण तक भी सानू अपने बराबर नहीं समझते। वो जो उनकी कुछ एक तो जो पॉलिसी थी वो हमारे को अच्छी नहीं लगी, या लोग पब्लिक को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। लिज ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया, उसने अच्छा कमिटमेंट किया पब्लिक के साथ। हम कहते हैं कि जो पॉलिसी है उसको मोर अच्छा बनाए, मोर मल्टी कल्चरल बनाए, स्पेशली कॉस्ट लिविंग इज़ अ बिग इशू। If they can't manage within 1 year,
तो लगता नहीं अगले साल ये प्राइम मिनिस्टर पर फिर चल सकती, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है एज पर इंग्लैंड के अंदर हरियत रहने के लिए, खाने पीने के लिए रोटी कपड़ा मकान वाली बात आ गई, क्योंकि गैस पानी बिजली इतना बढ़ गया है, महंगाई रोटी कपड़ा मकान जब हम भारत में बोलते हैं, आज यहाँ का इशू बन गया है इंग्लैंड का, कि जो पेट्रोल 1 पाउंड का था अभी 2 पाउंड का हो गया। तो इसलिए अगर इसने अपने आप को स्टेबिलिटी लेनी है नेक्स्ट 5 या 10 ईयर, देन कंजर्वेटिव पार्टी नीड टू नाइस पॉलिसी विच हेल्प टू द लोअर फैमिलीज, अदरवाइज वो भगवान ही जानता, ऊपर वाले जानता है इसका क्या बनेगा, लेकिन लिविंग कॉस्ट बिग इशू हो गया, तो इसको इसका मेन टारगेट होना चाहिए। इस तरह से क्या क्या आशा कर सकते हैं कि कम से कम वो बोरिस जॉनसन की तरह से इस मुल्क को ख़राब नहीं करेगी। उसका ना कोई सोचने का तरीका था, ना ही व्यवहार कैसे करना है औरतों के साथ या बिजनेस के साथ, वो नहीं करेगी। अब मुश्किल ये है कि जैसे वो लेगेसी छोड़ के जा रहा है, लिज़ ट्रस के हाथ में कुछ नहीं होगा, देश वैसे ही कंगाल हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, फूड बैंक खुले जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कर सकती है।